क्योंकि जब भी इस तरह का सवाल हो कैसे करेंगे, ये 2x लिखा है, सॉरी 2 की पावर x है, इसको ऐसे लिख लिया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 द 4 होता है ना, तो इसकी भी पावर 2x है, तो इसकी पावर हमने 2x लगा ली -1। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात कि नहीं आई? फिर अब ये जो 2 की पावर हमने 2 खोली है, अब ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, समझ लो यहाँ पे भी ब्रैकेट लग गया है। क्लियर हो गया बात? ये 2 की ये ब्रैकेट हमने रखी, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 द 4x और -2 1 द 2। ठीक, इधर क्या है 2 की पावर x। ओके, इसके बाद क्या होगा, 2 की पावर x, इधर 2 की पावर 4x माइनस 2 लिखा है, अभी कुछ नहीं किया। अब देखिए नीचे बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो पावर्स इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, बेस से बेस कट गया, काट के नहीं दिखाएंगे, पावर्स बस इक्वेट कर दें। ठीक है, ये बीस बेस नीचे x बेस छुपा ली नीचे, तो x बराबर 4x माइनस 2 दिख रहा है, x बराबर 4x माइनस 2। अब 4x x का भाई है तो x की तरफ आ जाएगा, x माइनस 4x प्लस में इधर 4x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर -2। x में से 4x गया उल्टा है, 4x में से x जाता तो 3x बचता, लेकिन x में से 4x जा रहा माइनस का 3x बचेगा। ओके, बराबर -2। यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब ये माइनस से माइनस कट जाता है, इक्वल टू के इधर उधर माइनस कट जाते हैं, हमारे पास बचा 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, 3 नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में x की वैल्यू निकल आई, यही तो करना था। और ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का 17 है, 17 का आंसर 2/3 देखिए आ रहा है। ओके, यह वाला सवाल आप करके दिखाइए, 12 और 13 वाला।